हम इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेकर आया हूँ और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है, सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको थोड़ा उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे और जो भी होगा देखेंगे एक साथ मिलकर इसको। और सबसे मैं एक थैंक यू करना चाहूंगा कोर्ट का, जो जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर जो मेरे साथ होगा वो ठीक ही होगा। मैं एक जो नोट लिख के लेके आया हूँ अपनी पत्रकारिता के, वो ये लिख के लेके आया हूँ। इसमें मैंने किसानों के नाम हैं ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं सर, एक मिनट।